जो भी बच्चे भगवान को पहचानने का प्रूफ होगा। वॉल्यूम लो करो, इको हो रहा है। भगवान को पहचानने का प्रूफ कि वो जो कहे वो मानेंगे, जैसा कहे वैसा मानेंगे, क्योंकि उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। अगर हम, एक होता है प्रश्न करना और एक होता है सिद्ध करना। तो भगवान, जिसको ये महसूस होगा कि ये भगवान के महावाक्य है, वो सिद्ध नहीं करे, प्रश्न तो कर सकते बाबा। बच्चों को प्रश्न चित्त बनाते या प्रसन्न चित्त बनाते? प्रसन्न चित्त बनाते, प्रश्न चित्त नहीं। ज्यादातर तो सिद्ध करने में लगे हुए है ना, सिद्ध वही करता है जो सोचता है कि यस, मैं जो समझता हूँ वो राइट है। प्रश्न करने वाला सिद्ध नहीं करता। चलो बाबा के शब्दों में, क्या मेरे दिल पर बाबा लिखे, बड़ी स्लेट है सबके दिल की, स्लेट एकदम बड़ी बड़ी है, सारी मुरली लिख जाएगा। तेरा चार, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है, तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। अगर सभी पहचान ले, ये पता चल जाए, संडे की मुरली में भी था ना, फिर तो बहुत ही, इसलिए एक्यूरेट है कि धीरे धीरे पहचानते, जैसे जैसे समय और नजदीक आएगा और ज्यादा पहचानेंगे, वो भी राइट है। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवास कब फैलेगा? चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज, भगवान आ चुका है, इसको कहेंगे प्रत्यक्षता। ये आवाज कब फैलेगा? भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। बाबा को पता, जब मनुष्य को पता चले ये विनाश करा के नई दुनिया स्थापन कराने आए हैं, दूसरा ये पता पड़े कि हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है, ये अगर निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए। और प्रत्यक्षता होना महिमा नहीं, ग्लोरीफाई नहीं, प्रत्यक्षता मतलब फिर तो चारों ओर हलचल मच जाए, भागो भागो, पता चले ना कि यहाँ आया हुआ है, भाग दौड़ हो जाए। हम तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सके और हमारा अभी स्टेटस पूरा हुआ नहीं पुरुषार्थ का, जो बाबा चाहता है, इसलिए एक्यूरेट है। नहीं, सेवा हो रही है, कम हो रही है, मुझे समय मिला है अपने ऊपर वर्क करने, समझा? बाबा कहते हैं चारों ओर। तो दो बातें हैं कि मनुष्य को पता चल जाए कि विनाश करा के नई दुनिया करा रहे, दूसरा भक्ति का फल देने वाला आ गया। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, सदा बरसात है। दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है, दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है, जिसकी आंखों में किसी की आंख है, जिसके हाथों में किसी का हाथ है, उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात ही बरसात है। इसके हाथों में किसी का हाथ, एक्यूरेट है, गीत तो बड़े एक्यूरेट बाबा का हाथ है, बस और क्या चाहिए जी। है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी, दो ही लाइन सुनी है, जो पिया के साथ है,
अब पिया कौन है ये दुनिया ही नहीं जानती, भल ढेर बच्चे हैं उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। देखो यहाँ हम पिया के साथ है, वहां वाले गीत तो खैर लौकिक फीलिंग से बनाया है, पर वो साथ है कभी छोड़ देता है या वो छोड़ देती है, मतलब पिया का भी तो भरोसा नहीं ना, और कुछ नहीं तो शरीर से भी छूट जाए। और ये पिया हम बेशक छोड़ दे वो छोड़ेगा, उसका हाथ है ऐसी, जब भी आना है पकड़ लेना। तो बाबा कहते हैं किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए, वो याद ही करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी है, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए, मतलब हॉन्टिंग थॉट चलती रहे निरंतर पिछाड़ी में। मम्मा बोलती ना ये पूछो कि याद कब भूलती है मुझे, बहने पूछती थी मम्मा को माँ बाबा याद रहता है, तो पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है, शरीर तो है परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है ना कि हम आत्मा है। पुरुषार्थ हो रहा ना पक्का, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, बहुत डीप फीलिंग में जाना, मतलब इतना जितना बॉडी कॉन्शियसनेस भरा हुआ है ना उतना सुख आत्मा कॉन्शियसनेस आ जाए। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं उस रूप में कोई विरला याद करते, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे याद नहीं करते, क्यों हम है इस विरले में, मैं जो हूं जैसा हूं मतलब कैसे निराकार निराकार, जो मेरी भी स्थिति कैसी चाहिए वैसी ही। नॉर्मली दुनिया में याद करते निराकार को, लेकिन स्वयं को तो फिर आकार शरीर समझते हैं ना, वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। मैं भी जैसी बन जाऊं, जो हूँ जैसा हूँ याद करना, ये याद कोई विरला याद करता आत्मा। आज निकाला ना सारा, निकाला पूरे शरीर सारे अंदर ऊपर के कपड़े सारे निकाले और फिर याद कर पूरे डेढ़ एक घंटा जितना हम मुरली सुनते, ये कॉन्शियसनेस ही ना आए कि मैं मेरा ये डेजिग्नेशन है मेरा ये है, कुछ नहीं मैं आत्मा हूं, तब आत्मा परम आत्मा की बात आत्मा को टच करेगी। इंजेक्शन डालना है ना तो वो पूरा निकालना होता है ना, कपड़े उपड़े निकालने होते हैं ना उस एरिया का, इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान के बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया कोई को जब तक बाप का परिचय नहीं दिया तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, पहले तो उनको ये मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप है, गीता का भगवान है, वही सर्व का सदगति दाता है, वह इस समय सदगति करने का पाठ बजा रहे, इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि है सब एक सेकंड में आ जाए। भारत में तो बड़ा हंगामा मच जाए ये पता चल जाए निराकार भगवान आ चुका है, अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का भी निश्चय हो जाए फिर क्या हो जाएगा, आसार दिखाई करते सब भाग के पहुंच जाते आबू के, इसे लेकर आबू तक क्यों लग जाए, इसीलिए ड्रामा परफेक्ट है ना दीदी, शुरू में सब भाग जाते तो हम लोग क्या करते। इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता, तुम जानते हो विनाश होना है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, मासी का घर नहीं है जो इस बात का निश्चय हो जाए। देखो क्या क्या निश्चय हो जाए उसका, फर्स्ट हाँ
सदगति दाता भक्ति का फल। अब बाबा कह रहे ये मासी का घर नहीं है कि ये निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। बड़ा टारगेट है ये भी। एक को कितना है तो बड़ा ही काम है। वो तो अच्छा हुआ ड्रामा अनुसार इस समय ये होता जा रहा है डिस्क्लोजर। जो ट्रेडिशनल माइंड में तो कोई लॉजिकल उनको चाहिए ही नहीं होता है ना, जो कंजर्वेटिव बुद्धि होती है ये कैसे कह सकते गीता का भगवान। अभी थोड़ा ओपन माइंड है इंटेलेक्चुअल है तो फिर वो सिद्ध करो तो बिलीव करते हैं। तो बाबा कहते ये निश्चय हो जाना, ये प्रसिद्ध हो जाए तो फिर तो सारे भारत में आवाज आ जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा कि तुमको जादू लग गया है, ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है। फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है, पुरुषार्थ करो। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी है। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते ही नहीं है, बाप की याद ही नहीं तो वह अवस्था नहीं। बच्चे जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है, निश्चय किसे कहा जाता है। उस दिन था ना परसों, 2-3 दिन पहले मुरली में अपनी ने चला विधि से एनालिसिस करने पर जब पूरी तरीके से एनालिसिस हो जाता है। बंद करके चलते रहे, आंख बंद करके, बोला ना बाबा ने निश्चय किसे कहा जाए, आंख बंद करके बिलीव करे तो वो तो विश्वास है। हाँ विश्वास। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चे जानते हैं, बाप जानते हैं निश्चय किसी को है नहीं। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। हाँ ये चलेगा, 60s की उम्र है। लॉकडाउन में तो सभी का याद का पुरुषार्थ अच्छा हो गया है सबका, मतलब ओवरऑल ब्राह्मण परिवार में अच्छा ये ग्राफ बना है। तो बाप की याद ही नहीं, भल यहाँ बैठे है बाप के साथ ये लव ही नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे, अगर बाप से लव हो तो समझे ना कि हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है, हम विश्व के मालिक बनते। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। याद क्लियर है, फील हो रहा है मैं आत्मा हूं, कोई मैं वो पवित्र सत्युगी आत्मा हूं, बस इस फील। बाबा कहते देह अभिमान में बहुत टाइम लगता है, देखा 1 घंटा केवल मैं आत्मा, बस परमात्मा सामने। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। मोस्ट बिलवड बाप उनके चेहरे में, जो ये समझ के करते उनके चेहरे में रौनक आ जाए। देखो क्यों, बड़ा अच्छा बाबा कहते कन्या शादी करती है जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती ना, परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते। तो शक्ल मुरझाई हुई जैसे रहती है, साजन की फीलिंग नहीं तो श्रृंगार भी गुणों का नहीं किया, तो चेहरा भी इतना खिला हुआ नहीं तो फिर शक्ल कैसी होगी। तो बाबा कहते हैं पर बात मत पूछो, कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। खुशी चेहरे की ब्यूटी को कितना बढ़ा देता है, नहीं 50% कंट्रीब्यूशन तो चेहरे खुशी का। कोई की शादी के बाद भी अगर शक्ल मुर्दे जैसे रहती है, किस्म किस्म के होते हैं, कोई तो दूसरे के दूसरे घर में जाकर मूंछ पड़ती है, तो यहाँ भी ऐसे है। आज आत्मा कौन है, मैं आत्मा बाबा की
सजनी दुल्हन हो गई, दुल्हन हो गई, सजनी हो गई। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। बाप को याद करने की मेहनत है ना, यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों को पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वह अवस्था होनी है। देखो हमारा सबका बढ़ रहा है ना टुवर्ड्स कंप्लीशन, टुवर्ड्स फाइनलाइजेशन, कि अपने को गोप गोपी समझना, निरंतर बाप को याद करना, बाप का परिचय सबको देना, बाप आया हुआ है वो वर्षा दे रहे, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर वन। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म बाप सिखला रहे हैं। कहते मन मना भव पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो। क्यों? क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालक पुण्यात्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना, पूछो अपने दिल से, क्या पूछे? हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? पाप कर्म, पाप कर्म की डेफिनेशन भी मालूम है ना हमको? लोग सोचते झूठ बोलना, ये बड़े बड़े हमारे है संडे की, पिछले संडे के स्वमान अभिमान की मुरली में पाप कर्म, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, इतना सा भी इंप्रेशन बनाया पाप कर्म, अपमान किया, अपमान मतलब पाप। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते मन मनाभव, यह भी पूछना होता है कि मन मनाभव किसने कहा, क्योंकि गीता का श्लोक है। वह कहेंगे कृष्ण ने कहा, तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा मन मनाभव? रात दिन का फर्क है, शिव जयंती के साथ है गीता जयंती और गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस, क्या है डायरेक्ट बेगर से प्रिंस की स्टेज है हमारी, कितनी अच्छी है ना, बीच वाली स्टेज नहीं, इंटरमीडिएट कोई स्टेज नहीं। कहां इच्छाएं चलती रहती थी, एक्सपेक्टेशन चलता रहता था, संकल्प, संकल्प तो ठीक है श्रेष्ठ संकल्प, लेकिन कमी फील होती रहती थी, कमी होती होती दूसरे में भी कमी दिखाई देती थी, सारी बेगरली स्टेज। प्रिंस की स्टेज, देने वाला प्रिंस कौन है? ऑलवेज ये फील हो कि मुझे देना है। तो ये अभ्यास जो हम करते हैं और पहले भी किया है कि पता चला कि उसमें ये खामी है, ठीक है मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, बेगर प्रिंस, मुझे क्या करना है, प्रिंस की स्टेज। जैसे कोई गरीब है तो वो जो प्रिंस होता है वो ये थोड़ी सोचता है अरे ये काम ही नहीं करते ऐसे ऐसे, वो क्या करते, उनका संकल्प क्या चलता है, गरीब है ना क्या करना चाहिए मुझे, मुझे क्या करना है। तो हर आत्मा को मुझे क्या सहयोग देना है, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा, ये है प्रिंस की स्टेट। बेगरली स्टेट वैसा वर्षा, उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तुम बनते हो बेगर टू प्रिंस, वह एम ऑब्जेक्ट की राज्यों की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान, सिद्ध करो श्री कृष्ण नहीं था, वो तो निराकार था, तो सर्वव्यापी का ज्ञानी उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पति पावन बाप है, कहते भी है कि वो लिबरेटर है, बस फिर सर्वव्यापी कह देते, जो कुछ बोलते हैं समझते ही नहीं है। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते, मुख्य धर्म है तीन,
देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण कौन से तीन धर्म स्थापन करते हैं बाबा? कौन बताएगा? जो नए हैं बताए, बोलो बाबा। एस्टेब्लिश करते संगम युग, सत्युग, त्रेता। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते, ये दुनिया नहीं जानती। वो तो सत्यु को ही लाखों वर्ष कह देते। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु ये अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को ही नहीं छोड़ते। वो जानते क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था, इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे 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 मोटे बहुत है। कहां से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद को भी थोड़ा समय हुआ है, इस्लामी पुराने हैं, 1400 वर्ष है ना मोहम्मद पैगंबर मुस्लिम 1400, और इस्लाम तो पहला है ना आफ्टर देवी देवता 2500 वर्ष। इस्लाम बहुत पुराना है। इस्लाम से फिर वो उसकी पीढ़ी में ही तो बताते हैं, फिर वो इसके बुद्ध और इस्लाम से ही जू, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम तीनों निकले। जू और जू क्रिश्चियनिटी और मोहम्मद तो फिर उसका कन्वर्टेड रिलीजन मुस्लिम। क्रिश्चियन भी मशहूर है। बाकी तो कितने ढेर है, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है। तो मुंज गए हैं। कल बाबा ने धर्म के बारे में कौन सी बात बताई थी? धर्म स्थापक प्योर सोल होते हैं, तत्व प्रधान होते हैं ना, उनका कोई विकर्म, और आधा आधा जन्म करने के बाद विकर्म। विकर्म नहीं है ये, दो बता, दुख नहीं भोगेगा। धर्म स्थापक की आत्मा सत्व प्रधान है, दुख और दुख नहीं भोग सकता। अच्छा, तो बाबा कहते हैं आज भी बाबा धर्म की बात कर रहे हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना भिन्न अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है। तो मुझ गए हैं, यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही है चार। इसमें डीटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। मुख्य धर्म शास्त्र में ब्राह्मण सो देवता ऐसी, मतलब ब्राह्मणिज्म, वैसे तो ब्राह्मिन्स होते हैं, इंग्लिश का कोई ऐसा नहीं होता, डिटिज्म तो ठीक है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये किसको पता ही नहीं। जो ब्राह्मण बनेगा, ये क्यों बाबा तीन को स्पेसिफाई कर रहे हैं? जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा, और जो देवता बनेगा वही क्षत्रिय बनेगा। इसलिए संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा, वर्षा मतलब बाबा बोला तो ब्राह्मण, इसलिए वो देवता बना। भगवान को बाबा कह दिया, पिता कह दिया, तो ब्राह्मण धर्म की स्टार्टिंग है एक बार भी दिल से बाबा निकले तो समझो मैं ब्राह्मण धर्म में स्टार्ट हो गई, उसी को वर्षा मिलेगी। तो ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, गाते हैं ब्राह्मण देवता ही नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे है, ये अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे, ये कभी इतनी डिटेलिंग हम करते हैं श्लोक में, परंतु पढ़ते ऐसे जैसे तोते। यह है बच्चे कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था ये भी मानते हैं, परंतु वह कब कैसे किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो बच्चे ऑर्फन हो गए ना परमात्मा को नहीं, इसलिए ये लड़ाई झगड़े आदि है, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। देखो बाबा ऑर्फन क्यों कहते हैं हमको, दुनिया वालों को, जैसे एक एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में लोगों को लगता है क्या है, कोई नहीं है हमारा कुछ, कोई ऐसे परिस्थिति हो या कुछ में हर कोई को लगता है कि सचमुच को दुनिया में कोई नहीं है, पर हमें फील होगा कि नहीं मेरा तो सब कुछ है। तो
दुनिया वाले इसलिए ऑर्फन के, ऑर्फन मतलब क्या, जो मेन होना चाहिए वो नहीं है पेरेंट उसको, तो हमें ऐसे फील होता है कि ये बाबा बैठा, बाबा है, ये ऊपर नीचे हुआ, शरीर ऊपर नीचे हुआ, बिजनेस ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम के बहुत डीप फीलिंग है, तो इसलिए दुनिया में ऑर्फन हो गए हैं। अब बाप आए सुजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, देवताओं में किसको दिया है तीसरा नेत्र बताया है? शंकर को दिया, शंकर को बताया, और देवियों को भी कहीं कहीं कुछ कुछ देवियों को बताया तीसरा नेत्र। आई थिंक मुझे लगता है ये दुर्गा काली का कोई एक को तो बताया है तीसरा नेत्र उसके, अभी हम करेंगे ना काली वाला ये क्विज में आएगा तो देखना, वो एक देवी है जिसको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो फिर कौरव पांडवों की लड़ाई घोड़े गाड़ी आदि लिख दिए हैं, कुछ भी समझते नहीं है, इतनी सी दो लोगों के लड़ाई के दो भाइयों के बीच में क्यों भगवान आएगा। कोरोना एक हफ्ते एक महीना डेढ़ महीना पहले फिगर 94 था फरवरी में, तो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की कोरोना के लिए, 94 था, जीरो डेथ था, लेकिन अब बड़ी मीटिंग्स हो रही है, इसके विषय में चर्चा हो रही है, एक्शन लेने का सोच रहे, क्यों? क्योंकि बड़ा है। तो दो भाइयों के बीच में इतनी छोटी सी लड़ाई में भगवान आएगा क्या? लेकिन जब बड़े लेवल पर कोई काम होता है तो परमात्मा का इंटरवेंशन होता है ना, छोटे लेवल में क्यों इंटरवेंशन होगा। हाँ, पर ये भी राइट है, अच्छा हुआ उन्होंने दो भाइयों के बीच में बताया, क्या राइट है इसमें? मतलब आज घर घर में क्या लड़ाई है, नजदीक के रिलेशंस में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, मेजॉरिटी इश्यूज तो नजदीक वाले में बड़े चल रहे हैं ज्यादातर, जो एक मास लेवल पे देखेंगे, एक देश का देखेंगे वो एक अलग बात है, पर एक मास लेवल में कोई भी चीज को वाइड स्प्रेड कब कहते हैं, जब हर घर में हो, जैसे ये बीमारी है ये घर घर में या इस तरह हो रही है तो कहेंगे ना वाइड स्प्रेड, बड़ी बात है, छोटा हो तो कहीं एक देश के बीच में हो तो नहीं होता है, इसलिए वो भाई भाई बताए, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स जहां हो जाना शुरू होता है जो भी नजदीक के रिलेशन में, तो इसलिए बाबा कहते हैं गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई घोड़े गाड़ी आदि लिख दिए, कुछ भी समझते नहीं, तुम समझाएंगे तो कहेंगे, अब हम उसकी सच्चाई को समझाते तो कहेंगे तुम शास्त्र को नहीं मानते हो, तुम कह सकते हो क्या बोलेंगे गुलाब भाई, वो कहते तुम शास्त्र को नहीं मानते हो, तुम कह सकते हो वो मानते क्यों नहीं है, जानते हैं कि ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति, जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होता है, भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। अच्छा पतित बन गए, पतित किसने बनाया, इम्प्योर किसने बनाया, रावण ने, इसलिए तो रावण को जलाते भी है, समझते ये परंपरा से चलाता है, परंतु सत्युग में तो रावण राज्य नहीं था, कुछ भी समझते नहीं, परंपरा से कैसे चलाता है, कोई चीज का ओरिजिन पता नहीं हो ना तो कहते ये चला आ रहा है क्योंकि जब भी जिसने देखा
विकार था ही था। त्रेता के बाद तो विनाश हो गया ना, एक हल्का सा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो त्रेता की सब बातें ही चली गई। और जब आत्मा इस समय से जगी तब यही देखा, कहते चला आ रहा है। क्या? हाँ, पहले से ही ना, मतलब ये इसलिए भी बोला ना, क्यों परंपरा बोल दिया, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो क्या है, चला आ रहा है, ठीक है। कौन से ईयर बताएंगे रावण का आना? आर्यंस ने इन्वेड किया उसका ईयर है, ब्रिटिश ने इन्वेड किया उसका ईयर है, रावण का कोई ईयर ही नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे, परंपरा से चला। मतलब रावण वो वाला दुख की बात है ना, फिर तो जलाते क्यों है, अगर त्रेता में ही मर गया रावण तो आज क्यों जलाते। मतलब प्रूफ है ना कि आज भी है। तुम कुमारियों की, अब तो बाबा कह रहे हैं माया तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है, सत्युग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं है, पत्थर से पारस बाप ही बनाते। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे, बाप समझाते, फिर भी बड़ा मुश्किल है, किसकी बुद्धि में बैठता, किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते, तुमको भगाया, अर्थात बाबा ने भगाया, रियली कैसे भगाया सबको, अपना बनाया ना, अपना बनाया। तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, याद दिलाया, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देखो, फील करो, बाबा सामने हैं, बच्चे तुम मेरे हैं, मेरे थे, अब भूल गए हो। बाबा की फीलिंग आई, दे अभिमानी बन माया के बन गए। बाकी भगाने की तो बात ही नहीं है, वो कोई श्री कृष्ण मतलब हीरो की तरह थोड़ी कि भगाएगा। बाबा ने अभी हमको कहा बच्चे तुम मेरे हो, उन्होंने सोचा ऐसे भगाया होगा, मामे कम याद करो, याद की मेहनत है। बहुत देहाभिमान में आकर विक्रम करते हैं, बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है, देहाभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं। इसलिए देखो, हम जो बीच बीच में याद का अगर संकल्प रखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, साइलेंस है ना, याद मतलब एक्चुअली क्या है, आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये तो टोटल याद है, लेकिन एक ठीक है बीच में एक पॉज कर लिया 10 मिनट में, 1 सेकंड ही, तो ऑटोमेटिक पूरी ज्ञान की बात याद आ जाती है, सुबह हमने जो सुनी, तो नेक्स्ट 10 मिनट का विक्रम स्टॉप हो जाता है। नहीं जरूरी कि उस समय याद आए, पर एक पॉज करने की आदत। हाँ, कर्म से, वो फ्लो से, उससे कर्म कॉन्शियस से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और चुपचाप बैठते ही जब हम जो चीज हमने बहुत कंसंट्रेशन में सुनी और देखी होती है ना, जब हम चुप बैठते हैं तो उस समय वो याद आ जाती है। जैसे सपोज कोई चीज हम कोई सीरियल देखी होती है बहुत अच्छे से, हाँ उसके बाद काम करने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही चुप बैठेंगे तो वो पूरा माइंड स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसी तरह मुरली, तो इसलिए बाबा कहते हैं देहाभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है, औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं, और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये राजा ही स्थापन हो रही है। इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है, कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं, बुद्धि डल होती है तो पढ़ ही नहीं सकते, कोई कोई कहते बाबा हम किसको समझा नहीं सकते, तो कहता हूं अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि याद समझाओ, तो तुमको मैं सुख दूंगा, परंतु याद ही नहीं करते, याद करे
तो औरों को याद दिलाते रहे, ये बात जरूरी है। याद करने वाला पूछेगा, याद है, दिलाएगा। अच्छा है, घर में जो दो दो तीन तीन सुनते हैं ना मुरली इकट्ठे, तो एक दूसरे को याद दिलाओ, याद रहा बाबा, याद रहा बाबा, याद है अभी इस समय, तो उसको भी याद आ जाएगा। तो याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे, ठीक है, सभी के घर में है ना, इकट्ठे सुनते हैं। बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए, उनकी याद बिगर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, वह आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास हो जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए, 21 जन्मों के लिए। देखो अगर मिल भी गया तो थोड़े एक बार किया तो मिला, हमेशा तो नहीं मिलेगा ना, 2-4 करोड़ का फायदा हो गया, कई है कभी भी, मतलब वही भक्ति मार की आदत कभी होती है कि कभी बाबा से बहुत फायदा होता है तो रेगुलर क्लास होती है, मुरली सुनेंगे, नहीं फायदा हुआ, बाबा ने मेरा कुछ नहीं किया, तो जो किया था तो फिर मतलब हुआ ना, तो हुआ किस लिए, एक्चुअली उस समय अपनी भी स्थिति बहुत अच्छी थी इसलिए हुआ था, और फिर नहीं है, बाबा ने नहीं किया तो बाबा कहते हैं, परंतु वह तो है भी अल्पकाल के लिए। और यहाँ बाबा ने पिछले संडे की मुरली में क्या कहा, 5 या 10 वर्ष की गारंटी होगी, और यहाँ 21 जन्मों के लिए। कौन कौन सा सौदा है याद है, सारे सौदे 21 जन्मों के लिए, तन का मन का धन का संबंध का, हेल्थ वेल्थ मिलती है, वहां तो नहीं मिलती है ना, 21 जन्मों के लिए तन मन धन संबंध सबका सुख। परंतु मनुष्य जानते ही नहीं है, दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है, कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी है परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देवीमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं, योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। अच्छा तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा ना, कोई को बताने में टाइम लगेगा, यह भी ऐसे है। बीज और झाड़, ये चक्र बड़ा क्लियर है, क्या समझना है, यहाँ जो करना है वो पता है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा समझकर याद करना, और जो समझना है वो कौन कौन सी बातें समझनी है, बीज और झाड़ का रिश्ता, बीज और झाड़। और दीपिका बहन क्या समझना है, सुख धाम दुख धाम पूरा सृष्टि चक्र समझना है ना यहाँ पूरा, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे, रचना और रचेता, रचेता को भी समझना है, रचना को भी समझना है, घर जैसे वो मेन कंपनी को समझना है और उसकी प्रोडक्शन को भी समझना होता है ना, तब तो पता चले कि अरे बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है। तो रच तो बाबा कहते हैं शांति धाम सुख धाम दुख धाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना, मुख्य बात है बाप का परिचय, किसी को समझाने के लिए। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। श्री बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, हाँ ब्रह्मा बाबा करते, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते, ब्रह्मा बाबा हमको याद करते,
बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको याद करूं तो मेरा वर्षण कम हो जाएगा। शिव बाबा, शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन है, सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं। यह थोड़ी किसको याद करेंगे, कौन रेखा बहन बोलो, यह थोड़ी किसको याद करेंगे, ब्रह्मा बाबा, इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है ब्रह्मा बाबा को, मामे कम याद करो, उसको भी बाबा ने कहा बच्चे तुम उसको याद करो बस। तो बाबा हमको याद करते हैं, दो दिन पहले था ना मुरली में, बाबा को भी याद किसकी खींचती है, सैटरडे की मुरली थी, याद से याद मिलती, हाँ याद से याद मिलती है, जो बाबा को बहुत याद करते उनको बाबा याद करते हैं। दूसरा जो सर्विसेबल बच्चे उनको बाबा, सर्विसेबल सपूत बच्चे उनको बाबा याद करते। तो भगवान, इसलिए कई बार हम सबको अनुभव होगा कि जैसे दिल करता है कि बैठे, खींच हो रही है, पुल हो रही है, होगा ना ये अनुभव, बाबा याद कर, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। ये दोनों कैटेगरीज चाहिए तब बाबा याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग आनी बाप की बच्चों बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज का धारणा का सार है, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना, लव रखना बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना माना, कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना, यह लव रखना। दूसरा है, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप का, बाप का परिचय देना। लास्ट में बाबा ने कहा ना, मुख्य बात है बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। अच्छा वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूं। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, श्रेष्ठ मनसा द्वारा। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। जड़ और चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में, बड़ा अच्छा बाबा ने कहा। तो जिम्मेवार आत्मा का मतलब हुआ मनसा, विश्व मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार आत्मा, मनसा द्वारा।
तो जिम्मेवार में ये याद रहेगा कि मैं मनसा से विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी में, अर्थात एक सेकंड भी और विश्व की स्टेज पर हूं। कई बार बाबा कहते हैं ना, ये समझो कि मैं स्टेज पर हूं। तो इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाए। जब समझेंगे जिम्मेवार, जिम्मेवारी जब होती है ना, जैसे एक देखो घर में कोई इवेंट ही होता है, जिम्मेवारी खुद के ऊपर है, ऑर्गेनाइजर्स आप हो, तो क्या होता है, मतलब नींद नहीं आ रही है, जिम्मेवारी वो एक पीछे लगा रहता है। तो ये फील, जिम्मेवार मतलब बाबा कहते ऐसे सो नहीं सकेंगे, व्यर्थ की सोना, अलबेलापन की नींद, जिम्मेवार आत्मा। तो इसलिए अलबेलापन समाप्त हो जाए। और ये खुद की जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अपना नेचर होता है, देने की नेचर नहीं होती। दो बच्चे होते हैं, छोटे बड़े की बात नहीं होती है। कभी कोई छोटा बहुत रिस्पॉन्सिबल समझता है, बड़ा है थोड़ा लीजर एटीट्यूड होता है, नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल। तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना विश्व कल्याण के कार्य, ये बाबा मतलब इवन स्थूल चीजें उसको भी बाबा नहीं कहते हैं तन को सफल करो, धन को सफल करो, उसमें परिवर्तन। इसलिए जड़ और चेतन तो दोनों की तो एक एक सेकंड मुझे विश्व का परिवर्तन करना है। तीन बातें याद रहेगा, मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, तो अलबेलापन, और दूसरा व्यर्थ लीजर एटीट्यूड और वेस्ट, तीसरा जड़ और चेतन को सफल करना। सफल करने वाला भी जिम्मेवार है, आत्माएं, उन आत्माओं को चेंज करने का भी जिम्मेवारी है। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय क्या बनो, योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। बाबा ने लिखी स्लेट पर, दिल रूपी स्लेट पर, आत्मा रूपी स्लेट पर बहुत सारी बातें लिखी ना,